कैरेक्टर बताइए इसके बारे में, क्या रोल है आपका? इस सीरियल की कहानी बहुत ही अच्छी है और मैं इसमें प्रेम नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो लीड कैरेक्टर है, और ये मेरे रोहित फ्रेंड है जो फ्रेंड का कैरेक्टर है। बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बहुत ही फैमिली ड्रामा जाकर देखने को मिलेगा दर्शकों को, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से एक बहुत अच्छी सोच के ऊपर निर्भर किया गया है। कैसे ही आपकी झोली में आई और इसके पहले आपने क्या कुछ किया है? इसके पहले मैंने एक मूवी की है जो हिंदी मूवी है, मूवी का नाम है मुंबई ट्रैक, जो अभी मार्च में उसका प्रीमियर है। मार्च में उसका प्रीमियर है मूवी का, और उसके बाद फिर अभी मैं ये सीरियल करने जा रहा हूँ फर्स्ट वीक। आपसे क्या बताएंगे? और मेरा करेक्टर इसमें रोहित का है, क्योंकि इनका जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके क्लोज फ्रेंड बना हूँ, और मैंने एक्शन क्या किया है कि फर्स्ट टाइम मेरा महाकाली सीरियल में मुझे चांस मिला था। उसके बाद ये सीरियल में काफ़ी नए करेक्टर भी आ रहे हैं जिनको एक्चुअल आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन ये सीरियल के थ्रू वो नए करेक्टर काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले तो थैंक्स कर रहे हैं सब, हमारी पूरी टीम को थैंक्स है कि जो न्यू करेक्टर है उनको यहाँ पे आने का अवसर मिल रहा है। आपका किरदार क्या है? मेरा रोहित का इनके फ्रेंड है, उनका करेक्टर मेरा। देखिए प्रेम का करेक्टर इसमें बिल्कुल पॉजिटिव करेक्टर है, और इसमें कैसा है कि वो थोड़ा चंचल मन स्वभाव का होता है, जो माँ बाप की बात कभी टालते नहीं है। प्रेम की जो मदर है इसमें उसका थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से माँ को भी पिघला लेता है, मना लेता है हर बार, और डैड की तो बात कभी टालता ही नहीं है। डैड से बहुत प्यार करता है प्रेम इसमें, और डैड भी कभी प्रेम की बात कोई नहीं टालते। जी मैं ये बोल रहा था कि जो आगे का करेक्टर है जो भी है वो हमारे टीम के ऊपर है, जैसा जैसा हमें स्क्रिप्ट मिलेगी उसके हिसाब से आगे चलेंगे, और ट्राई करेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट दें आगे की टीम का। ये कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो हालातों से लड़ती है, और जैसे टाइटल इसका रक्षा स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है, अपनी पहचान दुनिया से कराती है, अपनी फैमिली के लिए लड़ती है, और आगे जा के वो हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है उसको एक नया अध्याय सिखाते कि हार के बाद ही जीत होती है। लेखक के लिए कितनी चुनौती थी? सच कहूँ तो बहुत चुनौती थी, क्योंकि सबसे पहला आप करेक्टर होता है जो हम लोग लिखते हैं, करेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमको, क्योंकि करेक्टर ही एक आम पब्लिक के बीच में जाता है जो उसको मोटिवेशन करता है, उसको प्रेरणा कर देता है। तो इसलिए बाकी सब करेक्टर जैसे हमने डिसाइड किया है, जैसे लिखे हैं, तो बहुत ही अच्छा चुनौतीपूर्ण रहा है ऐसा। तो उतार चढ़ाव तो ऐसा है कि आपको एक पल प्यार मिलेगा, दूसरे पल आपको नफरत मिलेगी। एक करेक्टर से आपको इतना स्नेह हो जाएगा कि देखूं इसको, और दूसरे से इतनी नफरत हो जाएगी इसको ना देखूं। बात करें प्रोड्यूसर जी की, कैसे सर जहन में आया कि इस फिल्म को मुझे प्रोड्यूस करना है, ये कैसे जहन में आया? एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में रहे कादर भाई, ये भी हमारे फ्रेंड ही है जिन्होंने इस सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बस मिलना हुआ और सोचा कुछ अलग करे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो तीन फिल्में प्रोड्यूस की हुई है, बट ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग लगा जिन्होंने लिखी हुई है, कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए सोचा कि करना चाहिए साथ में मिलके, क्योंकि पुरानी टीम थी जो पहले साथ में काम किए हुए हैं, फिर से साथ में करना चाहते थे, तो कुछ मिल नहीं रहा था, ये चीज़ मिली है आपके सामने। ये सिद्धि टेलीविज़न करके है, मार्च में इसका लॉन्चिंग है, जल्दी आपको मिलेगी देखने के लिए। कितने एपिसोड की हो गए सीरियल की, क्या कैसे बताएंगे? ये ऑलमोस्ट समझो ना, हम तो नहीं चाहेंगे हमारा सीरियल बंद हो कभी, मगर हो 600 तो 600-700 होगा। नया चैनल लॉन्च हो रहा है सिद्धि टेलीविज़न, जिसके ऊपर रक्षा स्वाभिमान की सीरियल है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब्दुल कदीर और सुदाम, और राइटर है सोनू सूद, बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी है, सोनू साइगम, और होपफुल कि हम भी 20 साल तक का देखें आप लोगों को। आर्टिस्ट एक मेन लीड है सोमी अली है जो धारा का कर रही है, फिर प्रेम का जो कैरेक्टर है वीर कर रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, एक राकेश रॉय है ना, जो राजेश रॉय है जो दीनदयाल का कैरेक्टर है, और जो
सरपंच बने हुए हैं, तो उनकी वाइफ है, उनका बेटा है जो वीर हीरो है हमारा, अच्छा कैरेक्टर है सबका। फिर एक एक लड़की है धारा सोनी, है ना, तो उसका भी एक कैरेक्टर है चुलबुली, और ये ऐसे बहुत सारे हैं, कोई बेवड़ा भी है, कोई चुलबुला भी है, एडवोकेट भी है, अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छी टीम है सारी। हमारे डायरेक्टर है शैलेश, है ना, वो भी अच्छे हैं, बहुत सीरियल किए हुए हैं, तो देखते हैं आगे कब तक हम चलते हैं। नहीं, हम किसी को भुलाने के लिए नहीं कर रहे, हम बताएंगे कि हम भी हैं, है ना, हम भी हैं जो इतने सालों से इंडस्ट्री में, अब मौका मिला है कि भाई पर्दे के पीछे रहकर हमारे नाम के लिए कुछ काम करें। एज अ पीआर तो बहुत काम किया है छोटा बड़ा इधर उधर, और एज अ प्रोड्यूसर ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। डर कर रही है, और ये हमारे डायरेक्टर हैं शैलेश, है ना, आप इनसे बात करें। जी, रक्षा स्वाभिमान के लिए मैं कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो के लिए, क्योंकि एक वुमेन ओरिएंटेड ये हमारी कहानी स्टोरी बेस्ड है, और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की है। उसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए हैं, बहुत सारी खुशियाँ गम, एक ऐसे फादर की स्टोरी है जो बहुत सपोर्टिव नहीं अपनी डॉटर्स को लेके, तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप हालांकि आपने पहले भी बहुत कुछ देखा होगा इस सबको लेकर, लेकिन जिस तरीके से हमने दिखाया है, हर एक छोटी छोटी चीज़ के मिडिल क्लास लोग भी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो सकते हैं, या कुछ बड़ा मिलता है तो उस पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो सीरियल है ये पूरे आपके कंधे पे लग रहा है जी, दिस इज एज आई टोल्ड यू, दिस इज वुमन ऑन वुमन एम्पावरमेंट। सो हाँ, अभी थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कोशिश की जा रही है हर तरीके को हम अच्छे, हर पहलू को अच्छे से अच्छे तरीके से निहार कर पब्लिक के सामने लाएँ। क्या कहानी है अभी बता नहीं सकते, पर एक लड़की की स्ट्रगल है पूरे लाइफ में, उसको पढ़ाई के साथ, उसके फैमिली के साथ, उसके होने वाले शोहर के साथ, उसको डट के पूरे दुनिया का सामना करना है, तो ये चैलेंजिंग है थोड़ा। मैम का ये इंट्रोडक्शन चल रहा है सीन का, वो अपकमिंग, वो नहीं बताया अभी। शूटिंग कहाँ कहाँ होगी? अभी आज तो मढ़ में हो रही है, क्या प्लान है? अभी रेकी बाकी है, फिर रेकी के बाद प्रॉपर सेट लगे जाएंगे, और उसके बाद चालू हो जाएगा प्रॉपर शूट। थैंक यू।